आज मैं आई हूँ जेवी को छोड़ने नहीं, स्कूल ले जाने। और मैं और सर दोनों आए, नॉर्मली दो दिन से मम्मी डैडी आ रहे थे और आज फॉर अ चेंज बहुत गर्मी है। और मेरी ट्यूशन भी 1 o'clock पे है। हाँ, स्टार की ट्यूशन, बस स्टार अभी ट्यूशन चालू किया ना उसने। मैं एक्चुअली आपको एक दिन दिखाऊंगी उसका रूटीन, स्टडी रूटीन। सो आज फॉर अ चेंज दो दिन से अच्छी खासी क्लाइमेट थी, लेकिन आज गर्मी शुरू हो गई और अच्छी खासी गर्मी है। और हम लोग वॉक करके आए, नॉर्मली हम लोग ऑटो में आते थे, 10-12 मिनट हम लोग वॉक करके आए एंड वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड, जेवी इज ऑल्सो टायर्ड। अभी 1:30 का जेवी का क्लास है। सो Isn't Zevi looking cute? With the cap. Super star. The super star. So, ये जो ना, ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी करंटली, उतार चढ़ाव बहुत रास्ता है, मतलब ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है रोड्स वगैरह पर, मतलब ऐसे माउंटेन्स में बना के रखा हुआ लगता है, इसलिए ज़्यादा थकावट होती है, प्लस धूप ये और थका देता है। बहुत so, से ज़्यादा धूप चल रही है इधर। ग्रीनरी होके भी बहुत गर्मी है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब हवा का नामो निशान नहीं होता यहाँ पे, कभी कभार हवा चल जाती है वरना इट्स वेरी वेरी हॉट एंड सनी, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा हमारे जैसे काले हो जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं, ऑटो आती रहती है, गाड़ी आती रहती है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। चलो अभी स्कूल जाते, दिखाते जाने के लिए भी चढ़ाना है। चलो बाय। तो ये देखिए ऑटो की आवाज, ऊपर की तरफ, आई डोंट नो ये ऑटो इतना आवाज क्यों करता है इधर पे, ये आप देख सकते हैं कितनी चढ़ान है, इतनी चढ़ान है। हम लोग ये चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और देवी के स्कूल पहुंचने वाली है। देवी इनके स्कूल में काम भी चल रहा है, वो लोग नए नए डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, सो इसीलिए तो ओटी, बड़ा ओटी बना रहे। इन्हीं का स्कूल का ये क्लॉथ बैंक एंड फूड बैंक है, ये मैंने कभी दिखाया नहीं है ना, तो ये गरीबों को ये फूड और क्लॉथ्स देते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉथ बैंक एंड फूड बैंक लिखा हुआ है, तो अमीर लोग आके यहाँ पे सब डोनेट कर सकते हैं और ये चैरिटी करते हैं, दैट्स इट। और ये जेवी का स्कूल आ गया है, लेट्स गो इनसाइड। और स्कूल दिखने में बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट एनवायरनमेंट है स्कूल में। तो यहाँ पे स्कूल के स्टेप्स के वहाँ पे बैठ के जेवियन अपना शू सॉक्स निकालता है और खुद ही जाके रखता है। तो स्कूल में शू सॉक्स वगैरह अलाउड नहीं है, बच्चों को बाहर ही सब निकालना पड़ता है, यानी सब कोई, ताकि वो हाइजीन मेंटेन रहे। और एंटर करते ही रिसेप्शन पे यहाँ पे एक बुक का स्टैंड है, तो वहाँ पे जेवियन अपना फेवरेट बुक निकाल के उसको रीड करता है, 1-2 सेकेंड ही सही, पर उसको वो बुक रीड करना ही है, उसके बगैर वो अंदर नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जेवियन अपना बुक वगैरह रीड कर ले, ताकि फिर हम निकले और जाए, और हमारे पास टाइम था करके। तो यहाँ पे जेवियन के स्कूल में एक प्ले एरिया है, छोटा सा प्ले एरिया जहाँ बच्चे आके खेलते हैं, तो यहाँ पे हम जेवियन को भी थोड़ा सा एक्टिव कराते, क्योंकि आज उसका ओटी क्लास नहीं है पहले, तो हमने सोचा कि चलो उससे थोड़ी सी एक्टिविटी कराते और थोड़ा सा वो खेल लेगा तो उसका माइंड भी थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, ताकि क्लास में जाने से पहले वो थोड़ा लेज़ी ना फील करे। तो यहाँ पे वो आ गया अपनी फर्स्ट क्लास के लिए, जो है स्पेशल एजुकेशन, और ये उसकी टीचर है जो उसको राइटिंग और एजुकेशन सिखाती है। और आज जेवियन ने बहुत अच्छा किया, काफी कुछ उसने लिखा है। बाप रे, जंपिंग जैक। देवेन का 1 class ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिसमस क्लास। देवेन का स्पीच क्लास में हम लोग जा रहे हैं, और देवेन आज बहुत एक्साइटेड है, उसका स्पेशल एजुकेशन का क्लास अच्छा हुआ। स्पेशल एजुकेशन क्लास में देवेन ने बहुत ज़्यादा सीखा, आज मैं दिखाती हूँ घर जाके। Danny's dog. Danny's dog. Danny's dog. Danny's dog. Danny's dog. Danny's dog.
दो वेयर आर दे गोइंग हियर वेयर आर दे गोइंग दे आर गोइंग क्या बारिश हम लोग यहाँ पे पार्क पे आए थे बस जेवन को खिलाया एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिज लास्ट क्लास ओटी है जेवन का ऑक्यूपेशन जेवन का ओटी क्लास शुरू हो चुका है जो ओटी की टीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत कोऑपरेटिवली जेवन को सब कुछ सिखाती है तो आप आज देख सकते हो एक प्लाई को स्टेयर्स के ऊपर रख के जेवन को उसके ऊपर वॉक करा रहे हैं वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और बीच बीच में गिर भी रहा है बट फिर भी उसने काफ़ी अच्छी कोशिश की और इससे क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है बाय द वे जेवन का ध्यान जो है बहुत भटकता है इसीलिए उसको ओटी करवाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे उसको टेक्सचर वॉकिंग करवा रहे हैं क्योंकि जेवन को थोड़ा टेक्सचर पे वॉक करने में प्रॉब्लम है तो इसीलिए उसकी मिस ना उसको मंकी वॉक करा के टेक्सचर पे वॉक करा रही है तो ये है वो पिक्चर जो मैंने इन दोनों की क्लिक की तो जेवन को निकलते वक्त ओटी से उसको ये स्विंग में बैठना ही है पहले उसको बहुत डर लगता था और लेकिन अब वो बहुत अच्छी तरीके से स्विंग में बैठता है और ये है इनका ओटी सेक्शन काफ़ी अच्छा है जो बच्चे आके यहाँ पे करते हैं फाइनली हमारा पूरा क्लास ख़त्म हो चुका है और जेवन जल्दी जल्दी निकल रहा है स्कूल ख़त्म वी आर गोइंग बैक होम और अभी आप क्लाइमेट देखो एज इट्स गोइंग टू रेन हैवीली मीन्स हैवीली सो हम लोग घर भाग रहे हैं बाबा बारिश ना हो हमारे घर पहुंचने तक हे देवी हेलो हेलो व्हाट यू आर डूइंग वी आर मेकिंग अ पेंटिंग जैसे ही स्टार को पढ़ पेंटिंग सीख व्हाट इज स्टारलेट मेकिंग पेंटिंग सीख सीगरा ओके जैसे ही स्टार को पढ़ाई करने बोलो ना स्टार का एस्केप है पेंट करना वैसे स्टार इसके बाद तुरंत पढ़ाई करना शुरू ओके ट्यूशन टीचर से मैंने पूछा होमवर्क क्या है व्हाट आर यू डूइंग सिर्फ पानी को कलर कर रहे हो तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये व्हाइट पेपर को ब्लैक किया है और फिर उसके बाद ये देखिए कुछ वीडियो देख के ऐसे बना रही है राइट ऐसे पता होगा कि कौन सा वीडियो मैं देख रही हूँ आप लोगों को पता है कौन सा चैनल देख रही है आई डोंट नो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गेस करके तो यहाँ पे वो कुछ क्या कर रही है नियॉन पेंटिंग नियॉन आईज आईज ईवल आई ओके मैं ईवल आई बनाई लेकिन जेवी को लग रही है ज़ेब्रा का आंख है तो यहाँ पे स्टार अपना पेंटिंग कर रही है खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो कल जो पेंटिंग बना रही थी ना वो ये वाला है स्टोन पेंटिंग अभी तक ड्राई नहीं हुआ ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ हाथ टच करके हाथ देख लो ओह माय गॉड ही स्टिल हैजंट ड्राइड गाइस बट दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी आप लोग बताना ये स्टोन में स्टार ने यूनिकॉर्न बनाया लेट इट व्हाट हैपेंड लेट इट ड्राई ओवर हियर स्टार ने मिनी भी बनाया मिनी और ये स्टार का डोनट और ये जो सारे पत्थर इधर ही पड़े हैं वर्ड्स और ये मेरे हाथ से हिल के थोड़ा सा ही गंदा हो गया बट एनीवेज चलो डू एंड फिनिश ओके तो यहाँ पे हम सब बैठ के हमारा इवनिंग प्रेयर कर रहे थे और जेवियन आराम से बैठता नहीं है तो यहाँ पे वो अपना मैग्नेटिक पजल जो है वो बैठ के कर रहा था और आई डोंट नो वो कुछ बना रहा था मुझे पता नहीं क्या बना रहा था बट वो यहाँ पे बैठ के कुछ कुछ बना रहा था और हमने अपना पीसफुली प्रेयर कम्प्लीट किया और जेवियन भी पीसफुली बैठ के अपना पजल कर रहा था तो ये स्टार का नियॉन आईज अब फाइनली रेडी हो चुका है मम्मी ने बस बोला कि थोड़ा राउंड कर दो तो ये स्टार नहीं और जेवन तब से यहाँ पे बैठा स्टार जेवी को लेके कुछ कर रहा हूँ आके जेवी को लग रहा है कि मैं ज़ेब्रा का आंख बना रही हूँ ओके ओके बोल रहे कि वो ज़ेब्रा का आंख है और हम यहाँ पे बना रहे हैं बनाना फ्राई जो बच्चों को बहुत पसंद है तो ये झटपट बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स बन रहा है
तो गाइज ये है जेवियन का बुक जो मैंने बोला था ना, मैं घर जाके दिखाती हूँ आप लोग को कि उसके एजुकेशन क्लास में क्या हुआ था। तो यहाँ पे जेवियन को काउंट एंड मैच करना सिखा रहे थे, काउंट एंड राइट, मैच नहीं काउंट एंड राइट। तो आज उसको ये सिखाया काउंट एंड राइट। तो काउंटिंग काफ़ी अच्छे से करता है वो, आप लोग आगे देख लोगे। और उसके बाद ये रीडिंग, तो आजकल वो थ्री लेटर वर्ड्स भी बहुत अच्छे से रीड कर लेता है, तो ये रीडिंग भी उसने किया था आज और काफ़ी अच्छे से उसने रीड भी किया। अब उसको कर्व लेटर्स सिखा रहे हैं, तो टीचर्स अल्फ़ाबेट्स में थोड़ा सा वो उसका नीटनेस नहीं है, पर उसको अल्फ़ाबेट वो अच्छे से पहचानता है और वो करता भी है, तो ये लिखता भी है वो अच्छे से अल्फ़ाबेट्स वगैरह। तो ये उसकी राइटिंग भी काफ़ी, नंबर्स भी काफ़ी उससे लिखवा रहे, तो नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स उसको काफ़ी ज़्यादा इस बार लिखवा रहे। उसको बस थोड़ा सा नीटनेस आना ज़रूरी है और लाइंस में लिखना ज़रूरी है, बाकी उसको सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। थोड़ा सा कर्व लेटर में प्रॉब्लम होता है, पर आप देखो पी उसने अच्छे से लिखा है, क्यू भी वो अच्छे से लिख रहा है, थोड़ा सा कर्व लेटर में प्रॉब्लम होता है, तो वो टीचर उसको कर्व लेटर सिखा रही है। बट रीडिंग और काउंटिंग और राइटिंग मैच करके लिखने में काफ़ी अच्छा हो गया है वो, और कर्व्स सीख रहा है वो, तो अल्फ़ाबेट्स वो अच्छे से कर लेगा। तो यहाँ पे जेवियन की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो है ना थोड़ा कलरिंग करने को उसको दिया जा रहा है, तो पढ़ाई के साथ थोड़ा सा उसको कलरिंग बहुत पसंद है करके उसको दोनों मिक्स एंड मैच करके देते ताकि वो ज़्यादा बोर ना हो पाए। तो इसीलिए उसको मैंने बोला कि तुम पहले डाइनो कलरिंग कर लो, उसके बाद मैं तुमसे ये एक्टिविटी कराऊँगी। तो ये एक्टिविटी बुक्स जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बुक्स है, तो जेवियन काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है कलरिंग के साथ थोड़ी एक्टिविटीज़ करने में भी। How many books? Four. Count again. 1, 2, 3, 4. Okay, match. Yes. Now count. How many pencils? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, match. Match with 5 with the dot. Okay. Match with the 5. Okay, next. Next. Painting. 1, 2. Okay, rubber. Rubber, 1. Okay, match. Okay, good. तो फाइनली ये है डिनर टाइम एंड वी आर हैविंग आर डिनर। सिंपल सा डिनर होता है, रोटी सब्जी या तो रोटी करी कुछ होगी, और बस हम लोग खा रहे, बच्चे खा रहे, एंड ऐसे हमारा दिन ख़त्म होता है फुल डे जेवियन के रूटीन में। और साथ में स्टार ने अपनी थोड़ी बहुत स्टडीज़ भी कंप्लीट की थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, बाकी घर का काम वगैरह चलता रहता है। काफ़ी बोरिंग सा चल रहा है केरला में हमारा टाइम, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वी आर नॉट गोइंग आउट, वी आर नॉट डूइंग जैसे हम बहरीन में किया करते थे, बट वी आर हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, सो वी आर सॉल्विंग दैट। सो दैट्स इट माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल, हू आर न्यू टू आर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड सी यू ऑन आर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।